हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू विल बी राइट एंड बी सेफ। यस्टरडे वी डिड सम पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, नाउ वी आर गोइंग टू डू इट फर्दर, सो लेट्स स्टार्ट। ही कॉल्ड हिज मिनिस्टर द जैकल। द लायन आस्क्ड हिम अबाउट द टॉर्टोइस। और जो शेर शाह था, शेर सिंह, द लायन, द बर्डे बॉय, है ना, उसने अपने मिनिस्टर को कॉल किया, अपने मिनिस्टर को बुलाया, अपने मंत्री को बुलाया। मंत्री का नाम क्या था बेटा? द जैकल। जैकल को बुलाया और क्या बोले, देखिए, कहते हैं द लायन आस्क्ड हिम, और उनसे पूछते हैं अबाउट द टॉर्टोइस, और उस कछुए के बारे में पूछते हैं कि वह कछुआ क्यों नहीं आया, क्या कारण है। क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था, क्योंकि लायन देखता है कि कछुआ जो है उसकी पार्टी में नहीं पहुंचा है, और उसको चिंता सताने लगती है कि शायद कछुए को कुछ हो ना गया हो, शायद कहीं वो बीमार ना हो गया हो, पता नहीं क्या हुआ होगा, वो क्यों नहीं आया। तो ऐसे ऐसे विचार उसके दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं, और वो अपने जैकल मिनिस्टर को बुलाता है और उससे पूछता है कि कछुए को क्या हुआ, वो क्यों नहीं आया। He told the lion that the tortoise disobeyed him by not coming to the party। और उसका जो मिनिस्टर है द जैकल, वो उनको बताता है कि जो टोर्टोइस है, जो कछुआ है, वह उसकी पार्टी में नहीं आएगा, उसने अपनी उसकी पार्टी में वह नहीं आने वाला है, उसने उसके जो आज्ञा है, आदेश है, उनका उल्लंघन किया है, अवज्ञा की है। द लायन बिकम वेरी एंग्री बट ही डिडंट से एनीथिंग एज ही डिडंट वॉन्ट टू स्पॉइल द पार्टी। शेर को बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, और वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं कहता, चुप रहता है, क्योंकि वह अपनी पार्टी को खराब नहीं करना चाहता, अपने बर्थडे को खराब नहीं करना चाहता। आफ्टर ए फ्यू डेज द लायन वेंट टू ड्रिंक वाटर इन द पॉन्ड। और कुछ दिनों बाद जब राजा शेर पानी पीने के लिए तालाब की ओर जाता है, सडनली, अचानक से, एकदम से, ही saw the tortoise, और वह टोर्टोइज को देखता है, कछुए को देखता है। They are swimming in the pond, वहाँ तालाब में स्विमिंग करते हुए, तैरते हुए। Why didn't you come to my birthday party? और वह उससे सवाल करता है, उसे पूछता है कि तुम मेरे बर्थडे पार्टी में क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए तुम मेरे बर्थडे पार्टी में, क्या गलती हो गई थी मुझसे, क्यों नहीं आए, क्या कारण था कि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, क्या वजह रही, क्यों नहीं आए तुम, तुम्हें मुझे बताना होगा। आई रिमेंड एट होम ऑल डे। और कछुए ने बड़े ही विनम्रता से, बहुत ही प्यार से जवाब दिया, कहा मैं तो सारा दिन आराम से घर पे बैठा था। आई हैव ए लवली होम, और मेरे पास बहुत प्यारा सुंदर सा छोटा सा एक घर है। सो आई डोंट गो आउट मच, और कहता है इसलिए मैं ज्यादा बाहर नहीं निकलता, मेरे को ज्यादा बाहर निकलने की इच्छा नहीं है, मैं अपने घर से बहुत प्यार करता हूँ, एक लवली होम है मेरे पास, एक सुंदर सा प्यारा सा घर है, मैं उस घर में रहता हूं। आई सी लायन सैड इन एन एंग्री टोन। और शेर ने उसे ना एक गुस्सेल आवाज में कहा, अच्छा, सो यू लाइक यूर होम वेरी मच, क्या तुम अपने घर को बहुत ज्यादा पसंद करते हो, डोंट यू, क्या तुम ही, देन गो देयर नाउ, और कहता है तो फिर चले जाओ, उस घर के अंदर रहो, देन गो देयर नाउ एंड स्टे इनसाइड, कहते अंदर ही रहना। इफ आई सी यू आउट अगेन, अगर मैंने तुम्हें बाहर देख लिया, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा अगर तुम फिर से बाहर आए तो। द टॉर्टोइस वॉज फ्राइटेंड, और वह कछुआ जो है वह डर जाता है, भयभीत हो जाता है। ही रन बैक टू हिज हाउस, और वह अपने घर की तरफ वापस दौड़ता है। एंड फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से आज तक,
ही नेवर लेफ्ट हिज होम, और उसने अपना घर कभी नहीं छोड़ा है। ही कैरीज इट विद हिम वेयर एवर ही वेंट, और वह उसको अपने साथ लेकर के चलता है जहां कहीं भी जाता है। तो बेटा एक बहुत ही सुंदर कहानी थी एक लायंस के बर्थडे की, कि कैसे एक लायन अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है और सभी जानवरों को इनवाइट करता है और उसमें कछुए को भी इनवाइट करता है, और वह कछुआ जो है वह उस पार्टी में नहीं पहुंचता। राजा की आज्ञा का उल्लंघन होता है और राजा को उस पर गुस्सा आता है और वह उसे आदेश दे देता है कि अब मुझे तुम बाहर नजर नहीं आने चाहिए, अगर तुम्हें घर प्यारा है तो तुम अपने घर में ही रहो। तो बेटा इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सबके साथ तालमेल मिलाकर के कोऑर्डिनेशन के साथ में रहना चाहिए। हमें किसी के साथ बैर भाव, जिसको हम बोलते हैं ना झगड़ा फाइट, नहीं करनी चाहिए। सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए, घुल मिल करके रहना चाहिए। आप सभी ने इसको ध्यान से सुना, थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।